कैसे इस तरह इस हालत में दरवाजा वरवाजा नहीं लगा इसमें? हाँ ना, दरवाजा लाग में टूट गया सर। और इसमें सीट भी नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही। किसके किसने बनवाया ये? प्रधान ने बनवाया था। तुम्हें प्रधान से आप लोगों ने बोला नहीं कि सही तरीके से इसको बनवाइए? वैसे बनवा दे भैया, क्या पता। ये शौचालय आप ही का है? नहीं, मेरे दादा का है, मेरे ससुर का। अच्छा, आप वाला कहाँ है? हम वाला टूट गया है। टूट गया, तो इसमें दरवाजा वरवाजा क्यों नहीं लगा है, इसे क्या है? पता नहीं क्यों नहीं लगा, लगा नहीं तो ऐसे जैसे लगा हुआ वैसे पड़ा हुआ। नहीं तो क्या प्रधान ने लगाया नहीं? नहीं लाग नहीं, ऐसे ना है। तो गड्ढा खोदा गया था इसमें? नहीं खोदा गया, गड्ढा खोदा है, एक ठी नीचे है। अच्छा, तो आपने दरवाजे के लिए प्रधान से बोला क्यों नहीं? कि बोला गा कहे कि देखो आओ उठा ले जाए यहाँ से। ये बहुत पहले सीज हो जानी चाहिए थी, 2017 में। उस समय भी हम लोगों ने शिकायत की थी और वो तब से लेकर आज तक हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं और जाके अब कार्रवाई हुई है। और शौचालय में ठेकेदारी प्रथा से बना है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। जितना पैसा आया है आधे से ज़्यादा पैसा तो प्रधान जी ने स्वयं ही अपने पास ही रख लिया है। लैट्रिन बनी है, छोड़ गड्ढा मतलब पेशाब साफ कर लिन जात है। नहीं तो लैट्रिन बनी है आपकी, तो इसमें पर्दा भी लगा है और उसके बाद टीन सेट लगा, तो क्या लिंटर नहीं पड़ा इसके ऊपर? जो समस्या यही है कि बाथरूम जो बनवाया प्रधान ने ठीक नहीं बना है। तो आप लोग कहाँ जाती हैं शौचालय? बाहर जाती हूँ। तो इसके लिए शिकायत किया था आपने? शिकायत नहीं किया था अभी तो। पूर्व में दो ग्राम पंचायतें गढ़थोलिया शाहगढ़ ब्लॉक में तथा बदलापुर संग्रामपुर ब्लॉक में इनकी शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें जांच समिति गठित की गई थी और जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये इस बात की पुष्टि हुई है कि वहाँ पर जो शौचालय का निर्माण हुआ है उसमें अनियमितता बरती गई है। इस जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज करने का आदेश दिया गया है तथा गाँव में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो कि इन आगे के कार्य को देखेगी। और इसके अतिरिक्त इसमें एक समिति और गठित की गई है जो अपनी अंतिम रिपोर्ट देगी और तत्पश्चात इसमें निर्णय लिया जाएगा। केवल शौचालय में ही अनियमितता थी कि और विकास कार्यों में भी? शौचालय निर्माण के साथ में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण भी हुआ था, उसमें भी अनियमितता है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के भी इश्यूज इसमें हैं, तो उसमें भी अनियमितता थी। उन सभी को देते हुए ये कार्रवाई की गई। एक ग्राम प्रधान को आपके द्वारा नोटिस दी गई है, उनको जो है वसूली के रिकवरी का आदेश दिया गया है। हाँ, इसमें एक शासन स्तर से कमिश्नर साहब के स्तर से एक कमेटी गठित थी, उसकी रिपोर्ट आई है। इसमें 9,603 रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया है संग्रामपुर में।